बीएसपी गठबंधन से सपा में फूट। शर्म नहीं आती? नाम ले लेकर कहूँ, कोई गैरत और खुद्दारी नाम की चीज नहीं रह गई। एसपी के कद्दावर नेता ने किया विद्रोह। किस मुंह से मुखालफत करते हो? बसपा की हिमायत करोगे? कोई शर्म है या नाम की चीज नहीं रह गई। आजम खान ने खोली जुबान, क्या है वीडियो की सच्चाई? नमस्कार, मैं हूं निवेदिता शुक्ला। एसपी बीएसपी के गठबंधन के बाद लोकसभा चुनाव के समीकरण बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। 12 जनवरी को लखनऊ के 5-स्टार होटल में बीएसपी चीफ मायावती और एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस गठबंधन का ऐलान कर दिया। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा था कि अगर कोई मायावती का अपमान करता है तो ये उनका अपमान होगा। मैं एक बार फिर आदरणीय मायावती जी का धन्यवाद दूंगा कि कम से कम आपने बराबर का एक दूसरे का सम्मान करने का काम किया है गठबंधन में। आज से समाजवादी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इस बात को गांठ बांध ले कि आदरणीय मायावती जी का सम्मान मेरा सम्मान है, और अगर भाजपा का कोई भी नेता आदरणीय मायावती जी का अपमान करता है तो समझ लेना कि वो अपमान आदरणीय मायावती जी का नहीं बल्कि मेरा अपमान हुआ है। हम समाजवादी हैं और समाजवादियों की ये विशेषता होती है कि वो दुख और सुख दोनों में बराबर के हिस्सेदार होते हैं, इसलिए हमें इस रिश्ते को मजबूती के साथ और आगे बढ़ाना है। इस गठबंधन के बाद से समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि बसपा को वोट देने से बेहतर होगा कि भाजपा को वोट दे दो। शर्म नहीं आती? नाम ले लेकर कहूं, किस मुंह से मुखालफत करते हो? बसपा की हिमायत करोगे? कोई शर्म हया नाम की चीज नहीं रह गई? कोई गैरत और खुद्दारी नाम की चीज नहीं रह गई? घर बैठे होते लेकिन बसपा का झंडा नहीं लगाया होता, कम से कम इतनी गैरत का सबूत तो दिया होता। क्या संदेश दे रहे हो? क्या बताना चाहते हो? जलील करना चाहते हो हमारे जैसे लोगों को? जो आजम का सर लाएगा वही राम भक्त कहलाएगा, ये सुना है आपके लिए हमने? बाबरी मस्जिद मूवमेंट में नसीर नहीं फूटने दी आपकी। कौन सी बदनामी नहीं मिली हमें इसे लेकर? क्या जुल्म नहीं किए बसपा ने हम पर और आप पर? कोई हया नाम की चीज नहीं है? बसपा को वोट करेंगे? मत करो बसपा को वोट। अगर थोड़ी सी भी शर्म है तो बीजेपी को वोट करो, सीधे बिल्कुल सीधे बीजेपी को वोट करो। क्यों गंदगी पर चांदी, क्यों गंदगी पर चांदी का वरक लगा के खा रहे हो? क्यों चांदी का वरक लगा रहे हो? दिल्ली के इमाम ने और कुछ लोग जो उड़न खटेले में घूम रहे हैं उनसे कह रहा हूं मैं कि चांदी की थाल में टट्टी रख ली है और इस पे चांदी का वरक लगा के समझ रहे हो चांदी है, गू है ये। सीधे तो वोट बीजेपी को काहे के लिए? क्यों बसपा को वोट दे रहे हो? सीधे बीजेपी को दो। और मैं एक बात कहूं आपसे, जिन लोगों से मैं ये कह रहा हूं वो समझ रहे हो आप बीजेपी को वोट दोगे तो हो सकता है कुछ आपके लिए वो अच्छा करें। कौन बात है, एक मस्जिद ही दो चार और दे दो, समझौता करना है तो ऐसे करो ना, घुमा के हाथ से कान क्यों पकड़ रहे हो? सीधे कान पकड़ो, वोट करो बीजेपी को। आजम खान के इस वीडियो को ये कहकर वायरल किया जा रहा है कि वो एसपी बीएसपी के गठबंधन से खुश नहीं है, जबकि इस वीडियो की सच्चाई कुछ और है। आपको बता दें कि आजम खान का ये वीडियो करीब 2 साल पुराना है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के दौरान आजम 23 फरवरी को फैजाबाद में एक रैली को संबोधित करने पहुंचे थे,
जहां उन्होंने मुस्लिम घरों में बीएसपी के झंडे लगे देखे और ये बयान दिया था। शर्म नहीं आती, नाम ले लेकर कहूं, कोई गैरत और खुददारी नाम की चीज नहीं रह गई।